कालका हलका के निवासी एडवोकेट बलबीर सैनी ने विधानसभा कालका से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ओपी सिहाग, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलबाग नैन, जेजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता समाजसेवी गुरबचन सिंह कोटियां, जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हनी सिंह समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि वे अपने जजपा कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम ऑफिस नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे तो लेकिन कागजात में कुछ कमियों को देखते हुए उन्हें पूरा करने में घंटों का समय लगा था, क्योंकि एक दिन पहले ही उनके नाम की घोषणा हुई थी और कम समय मिलने के कारण विधायक पद के लिए खड़े उम्मीदवार बलवीर सैनी काफ़ी व्यस्त दिखे। लेकिन फिर भी काफ़ी दौड़ धूप के बाद उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और मीडिया के समक्ष रूबरू हुए। मैंने आज जननायक जनता पार्टी और असपा पार्टी के ज्वाइंट कैंडिडेट के रूम में आज नामांकन अपना पत्र दाखिल करने यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मेरे सारे साथी युवा टीम है, मेरे जिला के प्रधान हैं सियाग साहब हैं, नैन साहब हैं, मैं अंकल अंबा जी हैं यहाँ से, और जितने भी साथी आज मेरे नामांकन में यहाँ पे आए हैं मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ कालका की जनता का जो मेरे नॉमिनेशन में इतनी भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हैं। इससे जो दो पार्टियों के जो ज़्यादा कैंडिडेट एमएलए रहे हैं यहाँ से विधायक रहे हैं तो उन्होंने हमारे हलके के साथ अनदेखी की है। दोनों बाहर से प्रत्याशी रहे हैं, मैं लोकल हूँ, कालका से हूँ, और मेरी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी कालका में पंचकुला में सबसे बड़ा जो है मुद्दा इस टाइम नशे का और एक माइनिंग का है, इसको मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा भी बहुत मुद्दे हैं जैसे कि शिक्षा के मुद्दे को लेकर यहाँ पे आज तक कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं कोई भी किसी भी तरह की पार्टी लेके आई। मेरा ये मुद्दा रहेगा कि मैं कालका की हर आवाज़, हर बच्चे की आवाज़, हर आदमी की आवाज़ को मैं विधानसभा तक मैं पहुँचाऊँगा अगर आप मेरे को आशीर्वाद के रूप में अपना वोट देते हैं और मेरे को यहाँ का विधायक चुनते हैं।